जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी, नीलप्रतवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते शुभ के सुर सेविते, करोमि दर्शन देवियम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म में पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पत्ते के बारे में सुन रहे हैं। तो केले का पत्ता भी हिंदू सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। केले का पत्ता हर धार्मिक कार्य में इस्तेमाल होता है यदि उपलब्ध हो तो। केले के वृक्ष में ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होता है और गुरु का वास होता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को केले का भोग भी लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद भी बांटा जाता है और साउथ में तो केले के पत्ते पर ही भोजन किया जाता है। तो माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। तो जिसके यहाँ पे केले का वृक्ष हो, जिसमें फल लगते हो, बड़ा केला हो, उसकी पूजा करने से गुरु ग्रह पक्का होता है और बढ़ता है, समृद्धशाली होता है, जिससे समृद्धि आती है। और केले का फल जो होता है वह रोचक होता है, मधुर होता है, शक्तिशाली होता है, वीर बढ़ाने वाला भी होता है, मांस बढ़ाने वाला भी होता है और नेत्र दोष यानी आंखों की बीमारी को भी ठीक करता है। इसलिए केले को खाना भी चाहिए और केले के पत्ते का पूजा में विशेष तौर से समृद्धि प्राप्त करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए और पूजा में केले के वृक्ष का पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।